कहने का मेरा एक ही मिशन है कि बीजेपी के भीतर जो आतंकवाद है उसको खत्म करना होगा। तो ये इन शब्दों में माने बीजेपी के डिसग्रंटेड लोग, पहले भी उनको टिकट नहीं मिलती थी, दूसरों को भी नहीं मिलती थी, परंतु ये भाषा पहली बार उपयोग हो रही कि बीजेपी के भीतर जो आतंकवाद है और जो तानाशाही है उसे मुझे खत्म करना। मोदी जी ने अपने आपको इस चुनाव से काफी हद तक दूर रखा है आप देखेंगे तो, और शिवराज को चेहरा बनाया है और वो अब हमारा नेता शिवराज का नारा दिया है बीजेपी ने। वो दूर इसलिए, उन्होंने दूरी इसलिए लगता है बना के रखी है क्योंकि उनको लगता है कि अगर हार हुई यहाँ पे तो उसका ठीकरा शिवराज के माथे फोड़ा जाए। देखिए चुनाव बड़ा रोचक है, दोनों साइड ने बहुत तैयारी की लेकिन बहुत अलग अलग तरह से। जहाँ भाजपा ने पूरा शिवराज सिंह चौहान पर दांव खेला है, कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के अनुसार किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया है और उनका मानना यह है कि जनता काफ़ी त्रस्त है, तो जनता अगर शिवराज सिंह के खिलाफ वोट देगी तो कांग्रेस को उसका फायदा होगा। तो इस बार किसी के पक्ष में या विपक्ष में कोई लहर नहीं है। दूसरी बात जो बहुत साफ दिखती है कि सरकार के खिलाफ 15 साल के बाद भी सरकार और मुख्यमंत्री दोनों कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो बहुत ही बिना लहर का चुनाव है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि परिणाम किस तरफ जाएगा, लेकिन जो इंडिकेशंस हैं और प्रीवियस इलेक्शंस के जो आंकड़े हैं यदि उनको हम देखते हैं तो टिल्ट बीजेपी की तरफ दिखता है। देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो है, परंतु मैं फिर ये भी पूछता हूँ कि 2013 में भी था और 2008 में भी था, आप 2003 में सत्ता में आ गए, 5 साल के बाद कुछ तो गड़बड़ आपने की थी। इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है और जो परिस्थितियां बनी हैं, जितना कुछ मैंने फील्ड में भी जाकर के देखा है, उससे ताज्जुब नहीं अगर भाजपा इस बार चुनाव हार जाए। और कई नेताओं के टिकट भी बीजेपी ने इसीलिए काटे हैं, मेरे ख्याल में 43 या उससे भी ज़्यादा 61 है, टिकट भूल रहा हूँ, लेकिन बड़े नेताओं के टिकट भी कटे हैं और कई MLAs के टिकट कटे हैं, इसी कारण वो टिकट उन्हें काटना पड़ा कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने का अंदेशा था। देखिए जहाँ ये कहा जाता है विकास के मामले में कि ग्लास आधा भरा या खाली, वो चीज़ मध्य प्रदेश पे बहुत अच्छे तरीके से लागू होती है। किसान बहुत परेशान है, इस तरीके से रोज़गार का भी मामला है, वो युवाओं को यहाँ पर नौकरियाँ नहीं है, व्यापम का उस तरीके से अलग तरीके से असर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब सीनियर सिटीजन्स की समस्या है क्योंकि जॉब नहीं है तो उनके बच्चे शहरों में भोपाल और इंदौर को छोड़ के बाकी जगहों पर जाते हैं, तो वो उसकी जो ओल्ड एज की समस्याएँ होती हैं, तो छोटी बड़ी हर तरह की यहाँ पर बहुत बड़ी समस्याएँ हैं। तो इसलिए सरकार का भाजपा का कामयाब होना उस मामले में बहुत मुश्किल है क्योंकि जो भाजपा के 155-158 जो सिटिंग MLAs हैं उसमें अधिकतर को भाजपा ने फिर से खड़ा किया है और जहां नहीं भी खड़ा किया वहां उनके रिश्तेदारों को टिकट दे दिया, तो उससे क्या हुआ है कि पूरा MLAs के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति गुडविल हो सकता है शिवराज सिंह चौहान के प्रति गुडविल हो, लेकिन जनप्रतिनिधि के खिलाफ माहौल है, तो इसका भाजपा को बहुत नुकसान होगा। वैसे तो वही इशूज़ हैं जो हर बार चुनाव में होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, जॉब नहीं है, किसान की हालत ख़राब है, पिछली बार भी यही था, इस बार एक नया फैक्टर है और वो फैक्टर इतना मजबूत हो गया है कि जिसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज की हिम्मत नहीं पड़ रही है स्टैंड लेने, और वो फैक्टर है एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट। इतनी डिबेट हो गई उसमें, दो दो बड़े बड़े आंदोलन हो गए, दलितों के आंदोलन हुआ था अप्रैल में और अभी सवर्णों का होगा। पोजिशन हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द पोलिटिकल पार्टी टू टेक ए स्टैंड। मान लीजिए कांग्रेस एट्रोसिटी एक्ट को सपोर्ट करती है तो सवर्ण नाराज हो जाते हैं, वो यदि उसको अपोज करती है तो दलित और आदिवासी टू सम एक्सटेंट OBC आल्सो दे बिकम एनिमी। इन हालात में एक जो है शिवराज सिंह के लिए चुनौती बढ़ गई है, तो जो मोदी फैक्टर उनको यहाँ
फ़ायदा तो ज़्यादा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि पूरा चुनाव 15 साल के भाजपा रूल और 13 साल के शिवराज काल के बारे में है, लेकिन नुकसान जो है वो केंद्र की पॉलिसी ज़रूर पहुंचा सकती है। बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कई जगह से हम सुन रहे हैं कि आप यहाँ प्रचार करने मत आइए। अब साधना सिंह की कितना अपमान हुआ मैं नहीं जानता हूँ, पर यदि इस खबर में 10% भी सच्चाई है तो कितना डिसकंटेंट होगा उस एरिया में जहां उन्होंने चीफ मिनिस्टर की बीवी के साथ गुस्सा की। अरे अपने तो पानी है पूरी वहाँ 30 कंस्टिट्यूएंसी घूमी मैंने और वहाँ काफ़ी कंस्टिट्यूएंसीज में ट्रायंगुलर कंटेस्ट है और ये कंटेस्ट जाहिर है जो एंटी गवर्नमेंट वोट्स होते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट्स होते हैं उसी को काटेंगे। बीएसपी वहाँ काफ़ी स्ट्रांग है और बीएसपी के साथ अगर अलायंस होता कांग्रेस का तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता उसका इस इलेक्शन में। एसपी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है इस राज्य में, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों का एक साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। गर्ज करें कि आज बीएसपी एसपी और दूसरी तमाम जितनी पार्टियां हैं उनका एक संयुक्त मोर्चा बनता जो भाजपा के खिलाफ होता बीजेपी के खिलाफ होता तो एक साइकोलॉजिकल असर पूरा एक करंट सा जाता है लोगों तक एक मैसेज जाता है। समाजवादी पार्टी हो बहुजन समाज पार्टी हो तमाम लोगों ने यही कहा कि हम तो अलायंस करना चाहते थे कांग्रेस ने ही उस पर ध्यान नहीं दिया। तो अब कांग्रेस की क्या रणनीति है वो तो वही जाने, लेकिन अलायंस नहीं बनने से जो बीजेपी को हराने की ताकत जो बढ़ती कांग्रेस की वो नहीं हो सका। तो जो ऑब्वियसली जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि जितनी मायावती जितनी सीटें मांगती थी उतनी कांग्रेस उनको देने को तैयार नहीं थी। एसपी भी शायद सीटें मांगती थी उनको देने को तैयार नहीं थी। मुझे लगता है ये असली कारण है, असली कारण कुछ और होना चाहिए। फिर इनके ऊपर कुछ तलवारें भी लटकी हुई हैं, माने डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम की इसकी उसकी, तो मेरे ख्याल से इनको कहीं ना कहीं धमकाया गया है कि यदि आप ऐसा करोगी तो हम आपसे निपट लेंगे। मेरा आई हैव नो प्रूफ पर मेरा हंच है क्या, तो इसलिए पीछे हट गई मैं आपको। पिछले 15 सालों में कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से बिखर चुका है तो वो समस्या है। ये अगर कांग्रेस अगर इस बार सत्ता में आती है तो उसकी वजह ये नहीं है कि वो मजबूत है, उसकी वजह ये होगी कि लोग इस सरकार को शायद नहीं रखना चाहते हैं। देखिए एक तरीके का फैशनेबल बात है कहना कि कांग्रेस में डिवीजन है, ये एक खासतौर से जो राष्ट्रीय स्तर का जो मीडिया है वो इस बात को बड़ा फोकस करता है कि कांग्रेस में एक तरह का एकता का अभाव है। ज़मीन पर आप देखिए तो इसकी बिल्कुल उल्टी स्थिति है। कांग्रेस का जो सदस्य जो है आम जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको बड़ी एक ललक एक जस्तजू है, एक पूरी उसने ताकत अपनी झोंक रखी है कि कांग्रेस कामयाब रहे और यही नीचे से ऊपर तक सब लोगों में यही भावना है क्योंकि 15 साल से कांग्रेस सत्ता से वंचित है और अगर यही ट्रेंड चला तो वो अगले 5 साल नहीं बल्कि 10-15 साल फिर सत्ता में नहीं आएगी अगर ये मौका गंवाया। केंद्र की आर्थिक नीतियां जो है डिमोनेटाइजेशन की हम बात करें या जीएसटी की बात करें यहां से व्यापारी वर्ग जो है खासतौर से बहुत परेशान हुआ है तो वो भी एक बहुत बड़ा कि वो किस मतलब जिसे कहते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा। अगर वो भाजपा के खिलाफ गया तो मुझे लगता है कि भाजपा का प्रदर्शन बहुत ख़राब होगा। नोटबंदी की बात मुझे कहीं सुनाई नहीं पड़ी बहुत ज़्यादा, लोगों को परेशानी ज़रूर हुई और थोड़ा बहुत बात करते हैं लोग ट्रेडर्स वगैरह, जीएसटी की बात भी ट्रेडर्स ही करते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन ट्रेडर्स जो हैं आधे बटे हुए रहेंगे। इस परेशानी के बावजूद अंत में जाकर वो बीजेपी को ही वोट देंगे क्योंकि वो बीजेपी से दे फील मोर कंफर्ट विथ बीजेपी। दूसरा जो पहलू है जो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन के लिए गंभीर मामला है वो ये है कि दुरुपयोग जो होता है
दुरुपयोग बिल्कुल जायज़ नहीं है, वो चाहे कांग्रेस के समर्थक संगठन करें या भाजपा के समर्थक संगठन करें। किसी भी तरीके का सरकारी तंत्र का या जो भी जो हमारा मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसमें अगर कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन होना है तो उसको इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, चाहे RSS हो या कोई और दूसरा दल। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है, इतने साल जो कांग्रेस ने जो कहते हैं सो कॉल्ड तुष्टिकरण किया, उसका क्या लाभ हुआ? मुसलमान का हालात जो है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर बद से बदतर हो गया, मुस्लिम राष्ट्रपति रहा है, मुस्लिम उपराष्ट्रपति रहे हैं, मुस्लिम मंत्री रहे हैं केंद्र में, राज्यों में मुस्लिम विधायक रहे हैं, लेकिन उससे एक आम जन जो मुसलमान है उसके जीवन स्तर क्या बेहतर हुआ है? उसका जवाब है नहीं। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो मुसलमानों का पूरा निष्ठा और विश्वास है, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से उन्हें कुछ खास नहीं मिला है, तो इसलिए वो बहुत इस मामले को लेकर के जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड लोग हैं वो बात करते हैं, लेकिन आम मुसलमान जो है वो कि एक प्रतिनिधित्व 3 को मिल रहा है, 2 को मिल रहा है, 1 को मिल रहा है, वो इतना गंभीर मुद्दा नहीं है। NDA के समय, जो मोदी जी के समय, स्कॉलरशिप की संख्या जो है बढ़ी है, तो वो एक जो सुरक्षा का मामला उसको लेकर मुसलमान भाजपा से थोड़े या संघ परिवार से हम कहें कि थोड़ा सा उन्हें एक संदेह या एक तरीके का ट्रस्ट डेफिसिट है, लेकिन जो सरकारी स्कीम्स हैं उनका तो लाभ पूरा मुसलमानों को मिल रहा है जैसे दूसरे नागरिकों को मिल रहा है, तो इसलिए भाजपा का भी बिल्कुल हाथ खाली नहीं है। मुस्लिम मतदाता जो है वो बहुत जागरूक है, समझदार है, उसे समझ में आ गया है इस समय जो देश में जो वातावरण है और जो भाजपा के प्रति हवा चल रही है उसमें वो अगर अपनी भागीदारी की बात करेगा, एक टोकन की बात करेगा कि इतने कैंडिडेट मिलने चाहिए, उससे उसके ही मतलब जो उसका कॉज है उसको नुकसान होगा, तो वो समझदारी से वो जो है उस पर बहुत ज़्यादा वो उत्तेजित नहीं है। उनकी एक सोच ये है कि जो लोग अगर कोई ऐसे दल और लोग जो हैं उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं या कोई नफ़रत का माहौल बन रहा है तो उसको चुनाव के ज़रिए ही बदला जा सकता है। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि अभी भी मुझे लगता है अभी भी BJP का एज है, लेकिन मुझे इसमें आश्चर्य नहीं होगा कि अगर कांग्रेस जो है इस चुनाव में वापस आ जाए, जिस तरह का असंतोष है लोगों में। एक ह्यूज गैप कांग्रेस और BJP के बीच लगातार 3 चुनाव में बना हुआ है, लगभग 8 से 9% वोट का डिफरेंस और लगभग 100 सीटों में डिफरेंस, तो इस डिफरेंस को पाटना जस्ट 4 महीने में बहुत आसान नहीं है। पहली बार ऐसा लग रहा है इन 3 इलेक्शंस के बाद कि कांग्रेस कहीं मैदान में है, कम से कम दे आर फाइटिंग, ऐसा लग रहा है कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं और BJP को हराना चाहते हैं। अब होगा क्या क्या नहीं होगा ये तो वोटर्स डिसाइड करेंगे, लेकिन कांग्रेस इज इन फाइट, दिस इज फॉर श्योर। तो जो वोटिंग पैटर्न में मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा फर्क आएगा, तो कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसा ना होगा मध्य प्रदेश में हंग असेंबली आ जाएगा,